दोस्तों हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बुरा समय कभी भी बोलकर नहीं आता ये जब भी आता है तो अपने साथ ढेर सारी मुसीबतें लेकर आता है कठिन समय से कैसे निपटा जाए यह सीखना बहुत जरूरी होता है कहते हैं इंसान की असली परीक्षा उसके बुरे समय में ही होती है इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह कठिन परिस्थितियों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखे इस बारे में अपने जमाने के मशहूर विद्वान आचार्य चाणक्य ने भी कहा है चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों को संजोकर चाणक्य नीति लिखी थी इस नीति के माध्यम से हम जीवन में सफलता और सुख पा सकते हैं इसमें कई लाइफ मैनेजमेंट टिप्स देखने को मिल जाती हैं अपनी इन्हीं नीतियों में आचार्य चाणक्य ने मुश्किल वक्त में कुछ खास बातों का ख्याल रखने की सलाह दी थी उन्होंने बताया था कि मुसीबत आने पर चार विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब संकट आता है तो इंसान के पास लिमिटेड अवसर ही होते हैं इन सीमित अवसरों में भी चुनौतियाँ बड़ी बड़ी होती हैं ऐसे में एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है इसलिए बुरे समय में आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत मायने रखता है तो चलिए आचार चाणक्य से ही जान लेते हैं कि बुरे समय आने पर व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नंबर एक है मजबूत रणनीति आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है जब आप मुश्किल में होते हैं तो उस समय तुरंत इससे निपटने की एक ठोस रणनीति बना लेना चाहिए यदि आप एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से मुसीबत को हैंडल करेंगे तो आप अंत में उसके ऊपर जीत हासिल जरूर करेंगे इसलिए मुसीबत आने पर उससे घबराने की बजाय उससे उभरने की रणनीति पर काम करें नंबर दो है परिवार के प्रति जिम्मेदारी आचार्य चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं कि संकट के समय व्यक्ति को अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए बल्कि परिवार की जिम्मेदारी उठाना उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए उसे अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए यदि आप या फिर आपका कोई परिजन मुसीबत में है तो उसका साथ देना चाहिए उन्हें मुसीबत से निकालने में आपको भी मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए आज आप उनकी मदद करेंगे तो कल वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे नंबर तीन है सेहत का ख्याल रखना सेहत आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूंजी होती है यदि आप सेहतमंद रहेंगे तो हर संकट से बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप विषय परिस्थितियों में भी आप अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही न बरतें अपने खान पीन का ध्यान रखें और सेहत के साथ समझौता न करें एक अच्छी सेहत आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करती है इससे आप चुनौतियों को मात देने में कामयाब रहेंगे अगली बारी है धन का सही प्रबंधन मुसीबत के समय पैसा आपका सच्चा मित्र होता है ये आपके पास हो तो बड़े से बड़े संकट भी निकाला जा सकता है वहीं संकट के समय यदि धन का अभाव हो तो मुसीबत और बढ़ जाती है इसलिए आपको अपने पैसों के मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और बचत करनी चाहिए आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ध्यान रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम आपको इसी तरह की नई नई बातें और बताते रहें धन्यवाद